है कि माइक्रोमैक्स का टाई अप कुछ समय पहले हुआवे के साथ हुआ था 2019 के अंदर, कि हुआवे के फोन्स को माइक्रोमैक्स मार्केट में लेके आए। माइक्रोमैक्स के द्वारा इन सीरीज के अंदर दो फोन लॉन्च किए गए, इन नोट वन जिसका कीमत होने वाला है 10,999 रुपए, वहीं पे इन वन बी का कीमत होने वाला है 6,999 रुपए। 24 नंबर के बाद ये फोन आपको देखने को मिलेगा फ्लिपकार्ट के साथ साथ micromaxinfo.com के ऊपर, जिसके लिए रजिस्टर आप अभी कर सकते हैं और फोन जब ही आएगा आपको मिल जाएगा। लेकिन लॉन्च के बाद बहुत सारी बातें होने शुरू हो गई, जिससे कि कंपैरिजन सबसे ऊपर उठ के आ जाता है, और साथ ही साथ माइक्रोमैक्स इन नोट वन का तो रियलमी नार्जो 20 के साथ साथ रेडमी नोट 9 के साथ कंपैरिजन बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया जाने लगा है। इसके अलावा जो इस फोन के अंदर कुछ ऐसी खास बातें हैं जो कि बाकी पहले के जो फोन थे उसके अंदर नहीं थी, साथ साथ एक और बात बताई जा रही है कि माइक्रोमैक्स के द्वारा जो फोन लॉन्च किया गया है वो ऑनर के 10X लाइट के बिल्कुल सिमिलर है। क्या सच्चाई है और क्या माइक्रोमैक्स इस बार मार्केट में तहलका मचाएगा, जैसा कि अरुण भाई के द्वारा बोला गया है जो कि ट्रैकिंग टेक चलाते हैं, और उनके द्वारा बताया जा रहा है क्या सेकेंड इनिंग्स जो माइक्रोमैक्स की शुरू हुई है वो इंडिया के अंदर आने वाले 2 साल के अंदर टॉप 3 प्लेयर्स में से खड़ा कर देगा माइक्रोमैक्स के ला करके। तो इसको देखते हुए आपको इस वीडियो के अंदर बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारी अच्छी बातें देखने को मिलेंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कहीं स्किप मत कीजिएगा। तकनीकी सार पे आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं इस पिक्चर का। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक कस्टमर के द्वारा, या आप कह सकते हैं कि माइक्रोमैक्स के फैन के द्वारा बताया गया है कि इस फोन के अंदर जो आपको यूजर इंटरफेस दिख रहा है वो काफी लाजवाब है। कहने का मतलब यह है कि स्टॉक एंड्रॉयड को लेके आया जा रहा है माइक्रोमैक्स के द्वारा, और ये बाकी फोन से इसको अलग कर रहा है। ब्लोटवेयर्स नहीं होने के कारण माइक्रोमैक्स बहुत आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है, और बहुत लोगों की पसंद है कि माइक्रोमैक्स इस तरीके की चीजें और भी करे और भी बेहतर तरीके के फोन लेके आए। अब फोन कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को सबसे पहले माइक्रोमैक्स के द्वारा जो दो फोन लॉन्च किए गए हैं उनके बारे में जरा बता दे। माइक्रोमैक्स की तरफ से इन वन बी लेके आया गया है, 2 GB रैम से इसका स्टार्टिंग होने वाला है और 2 GB के बाद 4 GB वेरिएंट होने वाला है। एक आपको मिलेगा 32 GB में और एक मिलेगा आपको 64 GB में। इसके अंदर आपको प्राइस जो रखा गया है 2 GB वेरिएंट का वो 7,000 रुपये रखा गया है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। साथ ही साथ मीडियाटेक का हेलियो G35 प्रोसेसर लगा हुआ है। दो कैमरे दिए गए हैं जो कि आपको इसके अंदर 13 MP और 2 MP के कैमरे हैं। साथ ही साथ 6.52 इंच का मिनी ड्रॉप फुल स्क्रीन है, मतलब मिनी ड्रॉप का मतलब यह है कि काफी छोटा ड्रॉप। 5 mAh की बैटरी जिसके अंदर आपको 10 वाट का चार्जर दिया जा रहा है। प्योर एंड्रॉयड एक्सपीरियंस। इसके अलावा 2 आपको इसके अंदर अपडेट्स मिलेंगे एंड्रॉयड के, जो कि माइक्रोमैक्स बता रहा है। अब मेमोरी कार्ड अगर आप एक्सपेंड करना चाहते हैं तो 128 GB तक कर सकते हैं, लेकिन वो आपको उसी में एक कार्ड को हटा के करना पड़ेगा, एक सिम को हटा के करना पड़ेगा। बात करते हैं माइक्रोमैक्स के द्वारा जो दूसरा फोन लॉन्च किया गया है, माइक्रोमैक्स इन नोट वन, जो कि आपको 4 GB 64 GB वेरिएंट पड़ने वाला है 10,999 रुपए का। एक इंटरेस्टिंग बात आपको ये बता दूं कि कलर्स में ज्यादा नाम में चेंज नहीं किया गया है। ग्रीन का मतलब ग्रीन, ब्लू का मतलब ब्लू, ब्लैक का मतलब ब्लैक, ऐसे रखे गए हैं। इस फोन के अंदर आपको मीडियाटेक का G85 हेलियो प्रोसेसर मिलने वाला है। आपको जो कैमरे मिल रहे हैं वो 48 MP का मेन कैमरा, 5 और 2 और 2 के बाकी 3 कैमरे मिलते हैं जो कि क्वाड कैमरा सेटअप को पूरा करता है। साथ ही साथ 5 mAh की बैटरी, 18 वाट का फास्ट चार्जर, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, 11,000 रुपए में आपको 5 mAh बैटरी के साथ फास्ट चार्जर दिया जा रहा है, जो कि आपको 6.67 इंच के पंच होल डिस्प्ले के साथ फुल HD+ इन्फिनिटी डिस्प्ले के साथ बताया जा रहा है कि ये फोन आने वाला है। प्योर एंड्रॉयड एक्सपीरियंस इसलिए कहा जाता है कि आपको ये फोन ब्लोट फ्री मिलने वाला है, और साथ ही साथ आपको इस फोन के अंदर 2 साल तक एंड्रॉयड के अपडेट्स देखने को मिलेंगे। अब अपडेट्स कितने प्रॉम्प्टली आएंगे वो देखने वाली बात होगी, लेकिन जैसा कि माइक्रोमैक्स दावा कर रहा है अपने सर्विस के ऊपर काफी काम करने वाला है, जैसा कि माइक्रोमैक्स कह रहा है। माइक्रोमैक्स के द्वारा जो पहला फोन लॉन्च किया गया है 7,000 रुपए में, उसके अंदर आपको हेलियो G35 लगा हुआ है जो कि मीडियाटेक का प्रोसेसर है। उसका कंपैरिजन किया जा रहा है रियलमी के C15, रेडमी 9, पोको C3 से। वैसे रियलमी का एक और फोन है जो कि सेम प्रोसेसर के साथ आता है, लेकिन वो पुराना वर्जन है तो उसको साइड में रखते हैं, C11 को। यहां पे आपको दिखाते हैं कि आपको जितने भी 4 फोन दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, चारों के अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन के डिस्प्ले देखने को मिलने वाले हैं। HD+ डिस्प्ले होगा जो कि 6.52, किसी में 6.5 इंच, और इसी तरीके से चारों के अंदर डिस्प्ले होगा। तो
डिस्प्ले ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन जब फोन माइक्रोमैक्स का बाकी मार्केट में आएगा तब क्लियरली मालूम चलेगा कि एक्चुअल डिस्प्ले में क्या डिफरेंस है। वैसे माइक्रोमैक्स की तरफ से दावा किया जा रहा था कि बढ़िया डिस्प्ले बाहर निकल के आएगा बाकी फोन से। कैमरा जो है आपको यहाँ पे डबल कैमरा मिलता है 13 और 2 का, जो कि बाकी फोन के अंदर देखा जाए तो रियलमी C15 में आपको क्वाड कैमरा सेटअप दिया जा रहा है 8-2-2 का, साथ ही साथ रेडमी 9 में 13-2 और पोको C3 में 13-2-2 का। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मेन कैमरा है वो तीनों चारों फोनों में सेम है। सबसे जरूरी बात जानना यह है कि बाकी जितने भी 2-2 MP के कैमरे दिए गए हैं उसका इस्तेमाल आप कितना कर सकते हैं, इस पे बात आके टिकती है। लेकिन मैं बता दूं आपको कि 90% केसेस के अंदर 2 मेगापिक्सल का कैमरा किसी भी काम का नहीं होता है, वो कई बार साबित हो चुका है पहले भी। सेल्फी कैमरे की बात करते हैं तो 8 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा माइक्रोस में देखने को मिलेगा, रियलमी C15 में भी 8 MP का और बाकी दोनों फोनों में 5 MP का देखने को मिलेगा। अब यहां तक अगर आप कंपेयर करते हैं तो ये फोन जो माइक्रोमैक्स का 1V है वो काफी अच्छा साबित होता हुआ नजर आ रहा है, बिना फोन के परफॉर्मेंस को चेक कर मैं बात कर रहा हूँ। साथ ही साथ अगर बैटरी बैकअप की बात करते हैं तो Realme C15 क्योंकि अपडेटेड फोन है तो यहाँ पे 6000 mAh की बैटरी दी गई है, बाकी फोन्स के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी दी जा रही है। तीनों फोन के अंदर आपको 10W का चार्जर दिया जा रहा है Realme C15 के अलावा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात प्राइस है और प्राइस में माइक्रोमैक्स क्लियर विनर होता हुआ नजर आ रहा है। 4GB 64GB जो वेरियंट है उसके अंदर जहां पे आपको माइक्रोमैक्स में सिर्फ 8000 रुपये पे करने हैं, लेकिन रियलमी C15 के लिए आपको 1500 रुपये ज़्यादा पे करने पड़ेंगे और रेडमी 9 के अंदर आपको उतने के लिए ही 9000 रुपये पे करने पड़ेंगे, 1000 रुपये ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन पोको C3 के लिए भी देखा जाता है तो वहां भी आपको 1000 का ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। 4GB 128GB की बात करते हैं तो आपको 10000 रुपये रेडमी 9 में पे करना पड़ सकता है। वैसे अब देखा जाए तो इस रेंज के अंदर माइक्रोमैक्स एक बढ़िया नाम कमा सकता है। अगर परफॉर्मेंस के अंदर जैसी बातें कही गई हैं उस तरीके की होती हैं तो माइक्रोमैक्स यहाँ क्लियर विनर होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बाकी 3 कंपनी जो है चाइनीज हैं और लोगों के द्वारा ज्यादातर क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि हमें कोई इंडियन और नॉन चाइनीज फोन के बारे में बताइए। तो 7-8 हज़ार के रेंज में जो फोन आने वाले हैं नॉन चाइनीज में, अब यहाँ पे सैमसंग या फिर कोई भी फोन नहीं टिकेगा और माइक्रोमैक्स इन 1B जो है वो बहुत ज्यादा रेकमेंड किए जाने वाला है लोगों के द्वारा, क्योंकि इसका डिजाइन भी काफी बेहतर क्वालिटी का साबित होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी सराहना काफी लोगों के द्वारा ऑलरेडी कर दी गई है। अब बात करते हैं अगले फोन के बारे में जिसके ऊपर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी ऑलरेडी हो चुकी है। कैसे आगे आपको मालूम चलेगा। माइक्रोमैक्स इन नोट 1 जो है रियलमी नार्जो 20 और रेडमी नोट 9 सेगमेंट में आता है, क्योंकि यह फोन आपको मीडियाटेक हेलियो G85 के साथ आ रहा है और इन 3 फोन जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं यहां पे आपको तीनों में सेम प्रोसेसर देखने को मिलते हैं। आपको कैमरे की अगर बात करते हैं तो तीनों फोन के अंदर 48 मेगापिक्सल का सेम कैमरा देखने को मिलता है, लेकिन माइक्रोमैक्स में जहां पे आपको अल्ट्रा वाइड 5 MP का, मैक्रो 2 MP, डेप्थ 2 MP का मिलता है, वहीं पे नार्जो में आपको 3 कैमरा मिलते हैं और दूसरा कैमरा अल्ट्रा वाइड होता है 8 मेगापिक्सल का, मैक्रो 2 MP का। और रेडमी नोट 9 के अंदर 8+2+2 का सिनेरियो है जो कि बिल्कुल सिमिलर तरीके का है माइक्रोमैक्स के इन नोट 1 से। अब यही 2-3 फोन है जिसके कंपटीशन में ये फोन देखा जा सकता है। साथ ही साथ अगर डिस्प्ले की बात करते हैं तो यहां पे आपको जहां नार्जो 20 में HD+LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, वहीं पे आपको माइक्रोमैक्स में और रेडमी नोट 9 में Full HD+ डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। साइज के बारे में बात करते हैं तो माइक्रोमैक्स का साइज सभी से थोड़ा बड़ा है, 60Hz रिफ्रेश रेट में ये फोन आ रहा है। 5000 mAh बैटरी के अंदर बताई जा रही है फोन माइक्रोमैक्स ने लॉन्च किया है, 18W का चार्जर जो कि बाकी फोन में भी यही चार्जर अवेलेबल है। बैटरी के मामले में आपको 6000 mAh नार्जो के अंदर देखने को मिलने वाला है। अगर सेल्फी कैमरे के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे माइक्रोमैक्स का जो कैमरा है वो 16 MP के साथ आ रहा है। क्वालिटी किस प्रकार की होगी वो आने के बाद जो मोबाइल फोन मार्केट में आएगा तभी क्लियरली मालूम चल पाएगा, लेकिन ऑन द पेपर अभी देखा जाए तो माइक्रोमैक्स आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं एंड्रॉयड वर्जन की, तो आपको एंड्रॉयड 10 पे ही तीनों फोन मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाता है तो स्टॉक एंड्रॉयड जो है वो बिल्कुल यूज किया गया है माइक्रोमैक्स में और ये थोड़ा अलग बनाता है इस फोन को। यहाँ पे माइक्रो SD कार्ड के लिए बोला जा रहा है कि जगह आपको दी जाती है जो कि आप इस्तेमाल
कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो प्राइस के बारे में अगर बात की जाए तो स्टार्टिंग प्राइस होने वाली है 11,000 रुपये। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, नार्जो के कंपैरिजन में यहाँ पे फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया जा रहा है और 500 रुपये आपसे एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर रेडमी नोट 9 से कंपेयर करते हैं तो 1,000 रुपये आपसे कम चार्ज किया जा रहा है। अब 10 से 12,000 के बीच में कोई फोन आपको रिकमेंड करना है तो माइक्रोमैक्स का फोन आपके नजर में जरूर आएगा, अगर इसका परफॉर्मेंस जैसा कि मैंने पहले वाले फोन के बारे में बताया उस तरीके का होता है तो। थोड़े वेट के बाद ये क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल ये फोन अच्छा खासा टक्कर देता हुआ साबित हो रहा है बाकी सारे चाइनीज फोन को, क्योंकि लोगों का सेंटिमेंट अभी ऐसा है कि इंडियन फोन के ऊपर उनका पूरा ध्यान है। तो आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है, जो कि अरुण भाई ने बोला है कि 2 से 3 साल के अंदर माइक्रोमैक्स टॉप प्लेयर्स में काउंट किया जा सकता है। लेकिन रुकिए, एक इंपॉर्टेंट बात बताना बहुत जरूरी है। ऑनर के द्वारा आज की डेट में सऊदी अरबिया, यूरोप और रशिया में एक फोन लॉन्च किया गया जो कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, और ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके का है कौन से फोन से, जो कि आपने अभी माइक्रोमैक्स का एक फोन देखा उससे इसकी सिमिलैरिटी होती है और ये आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। इसके बाद कंपेयर करने जाने लगा कि क्या माइक्रोमैक्स का जो ये फोन है वो फोन बिल्कुल इक्वल है या फिर ऑनर के मतलब कि हुआवे के ही फोन को लेके उतार दिया गया मार्केट के अंदर। वैसे तो जो चीज़ें आपको इस फोन के अंदर मिल रही हैं ऑनर के, सिमिलर चीज़ें आपको माइक्रोमैक्स के जो नोट 1 है उसके अंदर देखने को मिल रहा है। जैसे कि यही आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है, फुल HD प्लस देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रोसेसर थोड़ा अलग है, रैम 4GB है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे स्टोरेज बढ़ा दिया गया है, और बैटरी जो है 5000mAh की यहाँ भी दी गई है वहाँ पे भी दिया गया है। यहाँ पे चार्जिंग के लिए 22W का चार्जर दिया जा रहा है, वहाँ पे 18W का चार्जर दिया जा रहा था, 48522 दिया जा रहा है, और वहाँ माइक्रोमैक्स के जो फ़ोन लॉन्च किए गए हैं वहाँ पे आपको 48522 दिया जा रहा है। मतलब ये कि बिल्कुल सिमिलर निकल के आ रहा है सामने, सिर्फ फ्रंट कैमरा में आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत लोगों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि माइक्रोमैक्स का टाई अप कुछ समय पहले हुआवे के साथ हुआ था 2019 के अंदर, कि हुआवे के फ़ोन्स को माइक्रोमैक्स मार्केट में लेके आए। लेकिन अभी सिचुएशन इस प्रकार का बन गया कि इंडियन सेंटीमेंट्स को ध्यान में रखते हुए माइक्रोमैक्स के द्वारा जो फ़ोन लॉन्च किया गया है वैसे तो बिल्कुल लग रहा है कि हुआवे का कॉपी है, या फिर आप कह सकते हैं कि हुआवे वाले फ़ोन को रीब्रांड किया गया है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हुआवे ने ये बात पहले भी बोली है कि माइक्रोमैक्स अपने फ़ोन खुद से उतार सकता है मार्केट के अंदर। अब हमें इस बात पे ध्यान देना है या फिर हमें माइक्रोमैक्स को आगे बढ़ाना है कि आने वाले कुछ समय के अंदर माइक्रोमैक्स इतना ज़्यादा बलशाली हो जाए कि अपने फोन A to Z 0 से लेके 100% तक इंडिया के अंदर बनाने लगे। तो मेरी राय यह है कि आप लोगों को उन सब बातों को थोड़ा सा पीछे छोड़ना चाहिए और आज की डेट में माइक्रोमैक्स को सपोर्ट करना चाहिए। अगर आपको वही क्वालिटी माइक्रोमैक्स उसी रेट से थोड़ा कम में दे रहा है तो जो पैसे आपको माइक्रोमैक्स को देने हैं वो इंडिया के अंदर ज्यादातर पैसे इस्तेमाल किए जाएंगे, पहला इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात यह है कि जॉब क्रिएशन जो होगा, R&D में जो पैसा लगेगा वो सारा इंडिया के अंदर लगने वाला है, जो आपके डेटा रहेंगे वो इंडिया के अंदर रहने वाले हैं। तो आप लोग इस बात को अभी थोड़ा फिलहाल साइड कर दीजिए कि चाइना से कॉपीड है या नहीं है, लेकिन ये थोड़ा वीडियो लंबा हो गया इसलिए बता रहा हूं कि आपको अभी माइक्रोमैक्स को सपोर्ट करना चाहिए। अभी आने वाले कुछ समय के अंदर हर एक चीज क्लियर हो जाने वाला है कि माइक्रोमैक्स का फोन चलेगा मार्केट में या नहीं चलेगा, जैसे ही उनके सर्विसेज और साथ ही साथ उनके फोन के जो क्वालिटी है वो सामने आएंगे, कैसा उनका एक्सपीरियंस रहता है, उसके बाद हम लोग एकदम 100% क्लियर हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल माइक्रोमैक्स के जो ये फोन लॉन्च हुए हैं काफी बेहतर दिख रहे हैं, और जैसे ही मार्केट में आते हैं आप लोगों को रिव्यू जरूर मिलेंगे मेरे तरफ से, और आप लोगों के द्वारा माइक्रोमैक्स को सपोर्ट करना चाहिए। हम लोग भी सपोर्ट करेंगे कि आने वाले टाइम के अंदर माइक्रोमैक्स अपना सब कुछ इंडिया में खड़ा कर सके और इंडिया में अपने फोन को लेके आ सके। रिब्रांडिंग पर ध्यान मत दीजिए और किसी कंपनी के ऊपर ध्यान मत दीजिए, किसी के बात के ऊपर ध्यान मत दीजिए, लेकिन अभी फिलहाल माइक्रोमैक्स को बढ़ाने के ऊपर ध्यान दीजिए। दोस्तों, मुझे कोई पैसा माइक्रोमैक्स की तरफ से नहीं मिला है, बस एक इंडियन होने के नाते और बस एक ऐसी कंपनी जो कि काफी ज्यादा चली थी एक टाइम में, उसको ध्यान में रखते हुए ये बात आप लोगों को बोल रहा हूं। तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल को, कि आने वाले टाइम के अंदर और भी अच्छे खासे वीडियो आपको देखने को मिल सकते हैं। तकनीकी सर, देखने के लिए धन्यवाद।